गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम. आज शाम को मैं डॉक्टर सोनल जोमराज हूँ और मैं एक सर्जन हूँ मुंबई से. एंड आज के शाम के लिए मैं आपकी होस्ट रहूंगी. सो क्योंकि ये एक ऑनलाइन मीटिंग है, मेरे कुछ सजेशंस हैं आपके लिए ताकि ये मीटिंग आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो सके. एक तो है कि आप पूरे सेशन में म्यूटेड रहेंगे ताकि आप स्पीकर को और दूसरे सभी पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब ना करें. ऑल्सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आपका फोन साइलेंट मोड पे रखें ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस मीटिंग का. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ये भी रेकमेंड करती हूँ कि आप आपका वीडियो भी ऑफ कर लीजिए ताकि आपके इंटरनेट कनेक्शन पे ज्यादा लोड ना आ जाए. और आप अगर अपने मोबाइल फोन से ये देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन, तो प्लीज आपका मोबाइल ऐसे साइडवेज रख दीजिए ताकि आप प्रेजेंटेशन इजिली एंड कम्फर्टेबली देख सके. एंड लास्टली, आज के इसमें तो डेफिनेटली ये ध्यान देना पड़ता है कि अगर कुछ नेटवर्क इश्यूज हुए एंड स्पीकर अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन निकल गया तो प्लीज होल्ड ऑन, सबर कीजिए क्योंकि वो एक मिनट के अंदर वापस ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो इफ यू आर सेट, आई वुड लाइक टू टेक यू. आज के मेन पार्ट है जो सेशन के, इसके लिए तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर आज के लिए है वो एक सर्जन है मुंबई से. उन्होंने उनका MS मास्टर्स इन सर्जरी सायन हॉस्पिटल से 98 में किया एंड वो तब से प्राइवेट प्रैक्टिस में है इन वेरियस हॉस्पिटल्स इन मुंबई, प्लस उनका खुद का नर्सिंग होम है. प्लस इन एडिशन टू दैट 10 साल से भी ज्यादा वो एडुकेट कर रहे हैं फैमिलीज को कैसे वो हेल्दी रह सके और लाइफस्टाइल डिजीजेस प्रिवेंट कर सके, एंड स्पेशली आजकल के टाइम में कैसे अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सके और बूस्ट कर सके. तो उन्होंने काफी फैमिलीज को हेल्प किया है उनकी हेल्थ रिगेन करने में और हेल्दी रहने में. इंस्पायर्ड उनके बिजी शेड्यूल के, उन्होंने अग्री किया है कि आज वो उनका जो नॉलेज है वो हम सबके साथ शेयर करेंगे अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ एंड इम्यूनिटी. सो डू डेफिनेटली लिसन केयरफुली टू हिम. जरा गौर से उनको सुन लीजिए क्योंकि आज वो जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो हेल्पफुल हो सकता है ना सिर्फ आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, बट ऑल्सो वो लोगों के लिए जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, प्लीज हेल्प मी वेलकम फ्रॉम मुंबई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर सलील जोमराज. या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जैसे इंट्रोड्यूस किया, आई एम डॉक्टर सलील जोमराज एंड मैं जनरल सर्जन हूँ. आई एम फ्रॉम चेंबूर मुंबई एंड अराउंड 20 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस में एंड वी हैव अ नर्सिंग होम. बट टुडे मैं कोई सर्जरी का लेक्चर नहीं देने वाला हूँ कि कैसे किसी का अपेंडिक्स निकालते हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन अ वेरी क्रूशियल टॉपिक विच इज योर हेल्थ एंड योर इम्यूनिटी, हाउ टू हैव ऑप्टिमल हेल्थ फॉर यू. एंड आई वुड एज यू नो कि बहुत सारे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में अभी है, एंड सो यू वुड वंडर यू नो, एंड आई होप दैट एवरीबडी इन दिस रूम जो बैठे हैं इस मीटिंग के लिए, दे आर ऑलरेडी एंजॉइंग अ गुड हेल्थ. सो दे मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज दिस, व्हाई शुड आई अटेंड दिस. एंड मुझे भी ऐसे ही लगा था व्हेन आई सॉ दिस, बट एज इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर इफ यू गो व्हेन यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता चलेंगी. अगेन एज आई सेड कि यू नो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आजकल मिल रहा है अबाउट गुड हेल्थ इम्यूनिटी फ्रॉम लॉट्स ऑफ सोर्सेज, स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो माई एम इज आई कंपाइल एवरीथिंग टुगेदर हियर एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. एंड यू वुड बी सरप्राइज कि आपको कितनी चीजों के बारे में पता नहीं है. बहुत सारी चीजें पता डेफिनेटली होगी, बट यू वुड बी रियली सरप्राइज ऐसी ऐसी चीजें हमें अपने खुद के हेल्थ के बारे में पता नहीं है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द एम एक्चुअली टुडे इज नॉट जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन तो देंगे, बट द एम इज कि इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन लेकर उसके ऊपर आप अपने लाइफ में क्या चेंजेस करेंगे और क्या एक्शन लेंगे, यू नो दैट विल बी वेरी क्रूशियल आफ्टर दिस मीटिंग. एंड आई अर्ज एवरीबडी कि आप डेफिनेटली कुछ चेंजेस लाए अपने लाइफ में. And so I'm going to begin the presentation for which मुझे ये screen share करना है. So can you just please hold on? Yeah. So today's topic is optimal health and strong immunity. अभी what is optimal health? As you said, everybody's got good health. तो ये optimal health क्या चीज़ है? So health is not just being free of you know sickness, you're free from you know free of illness, yani free from illness, but health yani achhi health hoti hai ki not only your
not sick, but also it's a balance of physical, mental and social well-being. You know, for example, जैसे आपने कार की कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि कार गिव्स यू अ माइलेज ऑफ से 20 किलोमीटर्स पर लीटर, तो ब्रैकेट में उधर एक साइड में एक एस्ट्रिक्स लिखा होगा और एस्ट्रिक्स पे लिखा होगा अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। तो ये ऑप्टिमल कंडीशंस क्या होते हैं, यानी कि रास्ता सीधा हो, उस पर कोई चढ़ाव नहीं हो, देर आर नो पॉट होल्स इन द ऑन द रोड, यू नो स्पीड ब्रेकर्स नहीं हो, कार में ऑयल बराबर हो, लुब्रिकेंट बराबर हो, कूलेंट बराबर हो, एयर टायर प्रेशर सही हो, अगर ऐसा सब होगा और कार 50-60 के स्पीड से स्मूथली जाएगी, देन यू विल गेट दैट काइंड ऑफ माइलेज। सिमिलरली हमारी लाइफ भी उसी प्रकार से डिजाइन की है, यानी अगर सही ढंग से चले ऑप्टिमल कंडीशंस में, देन हमारा एम क्या है, टू लिव एज लॉन्ग एज यू कैन, एज हेल्दी एज यू कैन। तो जितना लंबी जिंदगी हम जी सकेंगे उतना अच्छा है, मगर मोर इम्पोर्टेंटली वो पूरी जिंदगी अगर हम हेल्दी रह के गुजारेंगे, देन इट इज ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट। मगर प्रॉब्लम्स कुछ नए चैलेंजेस आ गए, जैसे कोई नए रोड ब्लॉक्स है या पॉट होल्स है या टायर किसी का पंचर होता है इन रियल लाइफ, इज बिकॉज देर आर मेनी चैलेंजेस इन द पास्ट डिकेड और टू, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गए हैं और एंड पिछले 3 महीनों से यू नो द कोरोना पैंडेमिक के कारण हर कोई परेशान हो गया है, एंड सो पीपल वॉन्ट टू रियली यू नो कंट्रोल द एंड बिल्ड द इम्यूनिटी। तो उसके बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूँ, राइट। सो एज यू सेड कि लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत सारे हैं, आपने सब सुने होंगे, किसी के घर में भी होंगे डेफिनेटली, किसी के फैमिली रिलेटिव्स हर कोई पहचानता है कि जैसे डायबिटीज है, हर किसी को इसके बारे में पता है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कैंसर बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी है, लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग ऑन वेट, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी स्पेशली जैसे घुटनों में दर्द होता है, अस्थमा है, चमड़ी की बीमारी है, अल्जाइमर्स डिजीज ऑफ द ब्रेन, जैसे लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस अभी बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ डिकेड से। एंड उसके कॉज देखे गए हैं तो देर आर मेनी कॉजेज इन दिस। वन इज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, हर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यू नो फैमिली का स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस लेवल्स आर गोइंग अप, ज्यादा प्रेशर है काम पे भी, फूड भी जो है वो इम्प्रॉपर फूड मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, एंड आई टॉक टू यू मोर अबाउट दैट। पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ऑफकोर्स एयर का पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन, फूड में पॉल्यूशन, पीपल आर हैविंग मोर ऑफ अल्कोहल, लॉट ऑफ पीपल आर स्मोकिंग मोर टुडे, लाइफस्टाइल भी बहुत सारे सेडेंटरी हो गई है, यानी क्या है कि एक्सरसाइज नहीं है, हम ऐसे निकलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, वापस काम पे जाते हैं, कम बैक, सो देयर इज नो हार्ड वर्क फॉर मेनी पीपल। ऑल्सो स्ट्रेस के कारण और बहुत अलग चीजों के कारण, बिकॉज ऑफ टेलीविजन, बिकॉज ऑफ बींग ऑन व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया, देयर इज अ लॉट यू नो लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, स्पेशली बच्चों में भी रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, टीवी में से रेडिएशन, मोबाइल फोन में से, कंप्यूटर्स में से, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंक्रीज। घर में केमिकल्स भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, फूड में केमिकल्स है, मस्किटो रिपेलेंट्स में है, हमारी अगरबत्ती है उसमें भी केमिकल्स है, फ्लोर क्लीनर्स जो सिंथेटिक है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज वी आर बॉम्बार्डेड विद ऑल दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर यू नो अनस्टेबल रेडिकल्स विच आर फॉर्म इन अ बॉडी, जो हमारे शरीर के हर एक सेल को डैमेज करता है, और ये लंबे समय तक होते गया, देन वी गेट दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो व्हाट वी नीड टू सी इज कि देखो हमारा शरीर कैसा है, सेल्स से बना हुआ है, जैसे कोई बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, वैसे हमारा शरीर का बेसिक जो है वो सेल से बना हुआ होता है। सेल्स मिलके एक टिश्यू बन जाता है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हार्ट या लिवर या किडनी, और सब ऑर्गन्स मिलके कोई ना कोई सिस्टम बनती है, जैसे नर्वस सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या इंटेस्टाइनल सिस्टम, और ये सब सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे आप और हम। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो वी हैव टू फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ आर सेल्स। अगर हमारे सेल्स यानी फाउंडेशन अच्छा रहेगा, देन द होल ऑर्गेनिज्म कैन बी गुड। ओके, नाउ ऑप्टिमल हेल्थ तो हमें चाहिए, गुड हेल्थ तो सबको है, एज यू सेड एवरीबॉडी इज हेल्दी, कोई बीमारी तो लगती नहीं, मगर ऑप्टिमल कंडीशन में यानी लंबे समय तक हमें रहना है और लंबे समय तक हेल्दी रहना है, देन वी हैव टू वर्क ऑन इट। ये फ्री तो आएगी नहीं, वी हैव टू अर्न इट। अभी अर्न करने के तरीके कैसे है, एज आई सेड ई ए आर एन एन, ई यानी एक्सरसाइज, ए इज फॉर एटीट्यूड यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आर इज फॉर रेस्ट एंड एन इज फॉर न्यूट्रिशन। ओके, सो एक्सरसाइज जैसे देखेंगे कि हमें क्या है, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, और मोर इम्पोर्टेंटली आई वुड टेल यू कि बी अवेयर
कि कहाँ पे हमें मौका मिलता है कि हम यू नो वी कैन बर्न कैलोरीज और यू नो हमारे बॉडी को थोड़ा वर्कआउट दे, यू नो वेर एवर इन योर डेली लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप आधा घंटा चलिए एवरी डे, यू नो ब्रिस्क वॉक इफ इट्स पॉसिबल, एंड थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाइए बिकॉज दैट विल बी गुड. एंड सम टिप्स आते हैं लाइक आप स्टेयरकेस ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट. मैं कोई हाई राइज में रहता होगा बड़े से यू नो 12th फ्लोर पे रहता होगा देन यू कैन टेक द लिफ्ट टू द 10th फ्लोर और द 9th फ्लोर और बाकी के दो तीन माले वो चढ़ के जाए. यू नो स्टार्ट प्लेइंग विद योर चिल्ड्रेन व्हेन द लॉकडाउन टोटली ओपन्स एंड इट इज सेफ एंड गो टू पार्क्स बीचेस आउटडोर करें. आप काम पे जाए तो यू नो अपनी गाड़ी डोंट पार्क इट राइट अंडर द ऑफिस मगर थोड़ा दूर पार्क करके यू कैन वॉक ऑन अ डेली बेसिस. तो ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम डेफिनेटली इसके बाद रखिए. एंड यू नो एक्सरसाइज भी अलग अलग तरीके के होते हैं. वन इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा होता है. यू नो दैट इज वन टाइप ऑफ एन एक्सरसाइज. द अदर टाइप इज फॉर वेट्स. यानी कोई ना कोई हम हमारे घर पे शायद छोटा सा कुछ डंबल वगैरह खरीद लें या तो कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें या यू नो स्क्वाट्स कर सकते हैं जो बॉडी का वेट यूज करके. एंड दैट इज फॉर बिल्डिंग मसल्स बिकॉज देखा गया है कि अगर हम मसल बिल्डिंग का कुछ भी नहीं करें तो एवरी ईयर एन एवरेज पर्सन लूजेस 1.5 किलो यानी 1.5 किलो मसल लॉस होता है हमारा. तो यू नो समहाउ वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू रिप्लेस दैट. एंड फाइनली द अदर वे ऑफ एक्सरसाइजिंग इज यू नो कार्डियो एक्सरसाइज. कार्डियो में जहाँ पे हम हमारे हार्ट को यू नो मजबूत बनाते हैं. लाइक हमारा पल्स रेट बेसिक 80 रहता है तो हम उसे 60-80% ज्यादा बढ़ाते हैं. पीपल डू दैट जनरली बाय वॉकिंग ऑन अ वॉकिंग फास्ट और ऑन अ ट्रेडमिल और जॉगिंग या साइकिलिंग. उससे हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है टू अ पर्टिकुलर लेवल एंड हार्ट बिकम स्ट्रॉन्ग. इवन सो देर इज नो एक्सक्यूज टूडे. इवन इफ दोज पीपल हु कैनॉट वॉक वो कहते हैं कि हम बाहर जाके चल भी नहीं सकते हमारे घुटनों में दर्द है, दे कैन सिट इन द हाउस एंड डू कार्डियो एक्सरसाइजेस. फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि जैसे बॉक्सर्स पंच करते हैं पंचिंग बैग को यू नो सिटिंग एंड दे कीप ऑन पंचिंग. तो आप घर पे बैठ के भी यू कैन कीप ऑन पंचिंग फॉर 10-15-20 मिनट्स एंड इंक्रीज द पंचिंग रेट जिससे आपका कार्डियो एक्सरसाइज हो सकता है. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज टूडे फिगर आउट कि आप अपने लाइफ में एक्सरसाइज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं एंड ऑल्सो वॉट आर यू गोइंग टू एडवाइज योर नियर एंड डियर योर फैमिली मेंबर्स. सो ये हो गया ई विच इज वेरी एसेंशियल. नेक्स्ट इज एटीट्यूड. ए फॉर एटीट्यूड यानी कैसा हो. अफकोर्स हैज टू बी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. तो कैसे मिलेगा. तो फर्स्ट इज हमारी जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आते हैं. टेलीविजन खोलो न्यूज देखो इमीजिएटली पता चले नेगेटिव न्यूज चल रही है. न्यूज पेपर खोलो हेडलाइंस आर नेगेटिव. कुछ व्हाट्सएप पे देखो कि यू विल फाइंड सम पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली पोजिंग नेगेटिव ऑन व्हाट्सएप. या कुछ ग्रुप्स होंगे जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इन फाइटिंग रहती होगी नेगेटिव विच यू डोंट रिक्वायर. सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज यू नो नेगेटिव पीपल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स आप निकल जाओ. फेसबुक पे अगर कोई देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डिंग यू विद सम रिलीजन और सम हेट पोस्ट यू कैन ब्लॉक देम. सो वन इज अवॉइडिंग नेगेटिव एंड नेक्स्ट दूसरा है पुटिंग सम पॉजिटिव इनपुट्स. अब ये पॉजिटिव इनपुट्स कहाँ से आएंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल. मोटिवेशनल टेप्स है. आप यूट्यूब पे कुछ फॉलो कर सकते हैं. यू नो सोशल मीडिया पे किसी पॉजिटिव चीजों को फॉलो कर सकते हैं. एसोसिएट विद पीपल हु आर पॉजिटिव जो आपको हमेशा यू नो यू कैन मेक आउट कौन से लोग हैं एंड यू कैन स्टार्ट एसोसिएटिंग विद देम. ऑल्सो टॉक वेरी पॉजिटिव. यानी एज ए रूल आई हैव मेड इट कि इफ इट इज नॉट पॉजिटिव देन डोंट टॉक. So you know, so be responsible, have a good positive attitude and definitely आप वो इंसान मत बनिए जो दूसरों पे negative dump करता है या WhatsApp पे forward करता है. So this will help a long way. Next is R, EAR में से R is for rest, relax and rejuvenate. Rest यानी we would say कम से कम 8 घंटे सोइए आप. 6-8 घंटा is considered good. 8 hours will be really good. Also have a regular time for sleeping and regular time for waking up because उससे body को फर्क पड़ता है. या तो you know rather than irregular hours और सोते समय definitely पूरे light switch off करेंगे तो the brain also relaxes better. अच्छा temperature पे सोइए. अगर नींद नहीं आती you have to figure out नींद आने के लिए क्या करना है. Like if you don't like any book कोई पसंद नहीं है वो book पढ़ना शुरू करो आपको नींद आ जाएगी. Yeah, you know, a lot of people chant some words repeatedly like the word om or something and they go to sleep. Yeah, bahut sare YouTube pe bhi music hai, you know, meditation music hai which will put you to sleep. So, but you figure out, yeah, aapki responsibility hogi how you can sleep well. Again, relax ke liye, you need to take a break. You know, aajkal, so of course, everybody had a big break. But still, usme bhi a lot of people are working online. Aur unhone kaha hai ki unka kaam ulta badh gaya hai. In fact, when they are working online, they have to work even more. मोर आवर्स रात रात को भी पता चलता है. सो यू नो फिगर आउट कि आप अपने बॉस से कैसे 2 दिन के लिए दूर रह सकते हो.
you know, where you can switch off and relax. And of course, do a lot of other things like yoga, meditation, very essential. Finally, nutrition. The other one is, last pillar is nutrition. Yani you are what you eat, or nutrition hamari sari cheezon ke liye, growth development ke liye zaruri hai, and also helps in fighting infections and to prevent lifestyle diseases. अभी चैलेंजेस क्या आते हैं, न्यूट्रिशन तो सही है, मगर टुडेज चैलेंज क्या है कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट पेस हो गई है और बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, और हम मील्स जैसे चाहिए उस हिसाब से नहीं खाते, पर जैसे हमारा कन्वीनियंस है, टाइम उस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से हम खाते हैं. एंड इफ यू सी प्रोसेस फूड और जंक फूड बहुत बढ़ गए हैं, फास्ट फूड खाने में टेस्ट अच्छी लगती है टेस्ट के हिसाब से, लॉट ऑफ गार्बेज इज गोइंग इनटू अवर बॉडी, जिसमें बहुत सारा हाई फैट होता है, कैलोरीज भी एम्प्टी रहते हैं, और एज आई सेड की टाइमिंग इररेगुलर होता है. वो तो वो एक बात हुई, और दूसरी WHO ने कहा है कि कुछ पिछले 10-15-20 साल से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनको उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एटलीस्ट 30% न्यूट्रिशन कम हो गया है इन द लास्ट 15 years, और उसका कारण भी ये है कि लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं. जैसे पहले दो ही यू नो क्रॉप्स ग्रो करते थे एक साल में, अभी बार बार लगातार वही फील्ड वही ग्राउंड पे वही सॉइल में बहुत सारे क्रॉप्स रिपीटेडली करते हैं, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिशन की भी एक लिमिट होती है, एंड इसीलिए वो जो न्यूट्रिशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आता है वो हमेशा कम आ जाता है. प्लस बहुत सारे हैवी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बहुत केमिकल्स यूज करते हैं, कलर्स कलरिंग भी एजेंट्स यूज करते हैं, ताकि आपके वाटरमेलन ज्यादा रेड दिखो, फ्रूट्स ज्यादा शाइनी और रेड आए, एंड ऑल दीज ऑल्सो कॉज डैमेज बाय इंक्रीजिंग फ्री रेडिकल्स. प्लस ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत यू नो समय लग जाता है. जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं एप्पल खा रहा हूँ, वो न्यूजीलैंड का एप्पल है, वेरी गुड, बट देन आई रियलाइज वो एप्पल जब प्लक होता है उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने शुरू होती है, और बाय द टाइम इट कम्स टू इंडिया एंड टू हाउस टू वेजिटेबल वेंडर, और उसके बाद आपके घर में जो आता है बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, बहुत हफ्ते निकल जाते हैं, और उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती है. प्लस घर आने के बाद हम स्टोर भी करते हैं फ्रिज में लंबे समय तक, और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं वो कुक भी हम यू नो समय समय पे नहीं करते, मॉर्निंग में अलग रात को अलग ऐसे नहीं करते, एक बार कुक करके रखते हैं, बाद में बार बार माइक्रोवेव में हीट करते हैं. और With all this, what happens ना, जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू वो फूड का ओरिजिनली था जब वो यू नो पेड़ पे था, अभी आपके पेट में आने तक उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है. सो वी नीड टू डू समथिंग, एंड दिस इज नॉट इन आवर हैंड. एंड देन द बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारे बेसिक क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे लिए एसेंशियल है. बट जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स बिफोर कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल नहीं पाते हैं जो ऑप्टिमम अमाउंट में है. न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं, लेकिन जो बॉडी ने डिजाइन किया है जिस अमाउंट के लिए लेने के लिए, वो अमाउंट हमें नहीं मिलते हैं. तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो कभी भी हमें जो न्यूट्रिशनल गैप पड़ती है, जैसे प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, फैट्स में, जैसे अलग अलग, तो हमारा काम क्या है, जो गैप पड़ती है उसे हम सप्लीमेंट करें, यानी वी सप्लीमेंट देम विद सम अदर फूड सप्लीमेंट्स. ओके, बिकॉज हमें तो वो फूड में से मिल नहीं रहा है, विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. So it has become very essential today कि supplements ले, ताकि वो gap हमारी भर के निकले. अभी question क्या है next is, अगर supplement तो लेना ही है ताकि हमारे cells healthy रहे, then what is the choice of supplement? आप क्या choose करना चाहेंगे? अगर मैं आपको पूछूं, आप synthetic यानी artificial use करेंगे या natural? So common sense कहता है कि natural use करो. You know why? Because body is designed to take in natural stuff. जो सिंथेटिक है वो उल्टा और फ्री रेडिकल्स यू नो प्रिपेयर करते हैं when you eat it, and शायद और फ्री रेडिकल डैमेज करता है. सो नेचुरली द आंसर व्हेन आई आस्क इज नेचुरल. अगेन इफ यू सी व्हाई सिंथेटिक, व्हाई नॉट सिंथेटिक, इज बिकॉज ए केमिकल सोर्स से होता है, नेचुरल इज फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो हमारे बॉडी के लिए इजीली हम यूज कर सकते हैं. बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम होती है, यानी क्या, बॉडी में जितना उसका यूजेज हो जाता है एक्चुअल सेलुलर लेवल तक, वो इसका कम रहता है, बिकॉज इट इज केमिकल, वाइल नेचुरल की पूरी हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है. अगेन आपने सुना होगा सिंथेटिक में केमिकल्स में साइड इफेक्ट्स रहते हैं, नेचुरल में साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स इतने आ नहीं पाते हैं जितने आने चाहिए, नेचुरल के ज्यादा अच्छे आते हैं. एंड इसके कारण, बिकॉज दे कैन मास प्रोडक्शन करते हैं, सो देन द क्वालिटी क्वांटिटी द प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी वेरी चीप. बट नेचुरल अगर आपको चाहिए, देन देर इज यू कैन गेट वैल्यू फॉर मनी. और एक चीज जो है नेचुरल में, वो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो आपको कभी भी सिंथेटिक इसमें नहीं मिलेगा. एंड आई टेल यू व्हाट आर फाइटो न्यूट्रिएंट्स. फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, जिसका ह्यूमन बीइंग्स पे भी
एक बेनिफिशियल इफेक्ट्स होता है, यानी होल प्लांट से, प्लांट्स के लीव्स में भी हो गए, फ्रूट्स में भी हो गए, स्टेम्स में हो गए, ब्रांचेस में भी हो गए, पूरे प्लांट के अंदर ऐसे ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए दे आर फाउंड आउट टू बी गुड। और वो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी फ्री रेडिकल से लड़ाई करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम कर देते हैं, एंड ऑफकोर्स इम्यूनिटी में बहुत अच्छे उसके बेनिफिट्स हैं। सो अगर आपने डिसाइड किया, विच इज कॉमन सेंस, कि आप फूड सप्लीमेंट्स लेंगे, सो व्हाई वुड यू नॉट चूज द बेस्ट? एंड दैट्स व्हाई इन शॉर्ट आई टॉक टू यू अबाउट वन कंपनी विच इज द वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी जो हमें फूड सप्लीमेंट्स देती है इन अ वेरी नेचुरल वे। So why Nutralite? You would say why Nutralite? Because I will tell you, Nutralite एक 1934 में से बनी हुई है, number one company in the world है, 85 years से ज़्यादा experience. Can you imagine what is the experience? और ये जैसे मैंने कहा कि whole plant को ही use कर देते हैं, उसके concentrates which are very rich in phytonutrients, जिसको आपको benefit मिलेगा. It is the only major brand in the world to grow, harvest and process. यानी अपने ही fields में वो grow करती हैं, वहीं पे वो काटते हैं, वहीं पे उनके farms पे ही उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स है, ताकि इमीडिएटली जैसे वो जो पौधे या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स काटे, इमीडिएटली वही ना वही विद इन वन आवर वो प्रोसेस हो जाते हैं, सो दैट उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट नहीं हो जाए। एंड दे हैव देयर ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म 6400 एकर्स, और बहुत सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी अभी इंडिया में यू नो द वर्ल्ड इज कमिंग अप टू ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसेंटली, बट दिस कंपनी इज डूइंग इट फॉर डेकेड्स। और यानी इसका मतलब क्या, उसमें कोई सिंथेटिक्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, यू नो इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स वो दूसरे कीड़े यूज करते हैं, लेडी बग्स विच विल ईट द बैड बग्स। सो यू नो दिस इज हाउ इट ग्रोज, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो कलरिंग एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट ऑफ नेचर, बट बेस्ट ऑफ साइंस भी है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, बहुत सारे पेटेंट्स है, और हर एक प्रोडक्ट के पास वो दे डू थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट टिल द टाइम यू नो दे सेंड इट टू योर हाउस। So that's why best of nature and best of science. Of course, many world के titles उनको अलग अलग recognition मिलते हैं। Euromonitor जो international जो एक independent body है, उन्होंने कहा it's the number one selling vitamin and supplement, dietary supplement brand in the world. Reader's Digest ने इसे बार बार most trusted brand in Asia कहा है। Economic Times ने recently उन्हें best healthcare award दिया है। So basically it's world acclaimed. Again, why would it be? Because you know they use the best. जैसे हम अभी आम का season खत्म हुआ है, तो हम कैसे कौन सा आम खाना चाहते हैं, मेजोरिटी वुड से हापूस आम, दैट इज अल्फोंसो, और वो भी आम यू नो अदर देन एनी अदर दशहरी और पाटली आम और व्हाटएवर मेनी अदर मैंगोज आर देयर, सो पीपल चूज अल्फोंसो मैंगो, और वो भी चूज करेंगे कोंकण के रत्नागिरी या देवगढ़ से, विच इज द बेस्ट। सो सिमिलरली न्यूट्रोलाइट भी क्या करता है, बेस्ट स्पीसीज और बेस्ट फैमिली लेता है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अगेन टी लीव्स जैसे है आसाम में से, वो डायरेक्टली आपके घर में आते समय तक खराब हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे डू इट, व्हाट दे डू इज द पाउडर इट। तो सिमिलरली एज आई सेड न्यूट्रोलाइट भी वही करता है, अपने फार्म्स पे ही उन्हें फटाफट कॉन्सेंट्रेट और पाउडर कर देता है, यानी विद इन 1 to 1.5 hours वो प्लग करके उसे प्रोसेस करके कॉन्सेंट्रेट भी करता है, यानी 500 ग्राम का होल प्लांट से आपको यू नो ओनली 70 grams ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिलता है, 70 kilograms, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। So in other words, Nutralite compromise नहीं करता quality पे, does not substitute with any cheaper ingredients, which is a major problem, and does not, and that's why it produces the best product. तो पहले सबसे अच्छा product manufacturer बनाता है, and उसके बाद whatever pricing लगती है उसी लिए देता है, that's why you get good value for money. Now coming to the hot topic today, immunity के बारे में, तो हमारे शरीर में एक immune system है, वो है क्या immune system? It's a complex network of cells, प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से डिफेंड करता है, यानी अलग अलग वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, और जैसे कोरोना वायरस अभी है, लॉट ऑफ थिंग्स के साथ पूरी कोशिश करता है टू फाइट दैट, यू नो। सो उसका फायदा क्या है, यू नो व्हाट इज द व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी एकदम ऑप्टिमल चलती हो, बढ़िया चल रही हो, एट द राइट इन द राइट प्रोपोर्शन, देन कितने इन्फेक्शन आके भी जाते हैं बॉडी में, एंड यू डोंट इवन कम टू नो, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। COVID-19 भी हो गया, कितने लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको वायरस था, कभी फीवर भी नहीं आता है ना, ना यू नो नो सिम्टम्स एज सच, नो ब्रेथलेसनेस। सो बट इफ योर इम्यून सिस्टम अगर वीक हो, देन यू स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स, एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। सो इम्यूनिटी के लिए अलग से क्या करना है, फर्स्ट इज ऑफकोर्स द 4 जो बेसिक पिलर्स मैंने कहा था, यू हैव टू अर्न लाइक EARN, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन, ये तो बहुत जरूरी है, मगर इन एडिशन टू इट, इट हैज फाउंड कि कुछ हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनसे भी इम्यूनिटी को काफी मदद मिलती है। नाउ इम्यून सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड।
कि सही सही मात्रा में क्या होना जरूरी है. वन इज प्रोटीन्स, जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन्स आर फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी टिश्यू और इम्यूनिटी में भी मदद करते हैं. फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. ये सब इम्यूनिटी के लिए बात कर रहा हूँ. मल्टी विटामिन बहुत जरूरी है, जैसे विटामिन सी आपने सुना होगा, विटामिन ई, विटामिन ए, B6, विटामिन डी के बारे में सुना होगा. ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस. तो ये दीज आर एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी. प्लस देयर आर मल्टी मिनरल्स लाइक जिंक इज अ मेजर इम्यूनिटी बूस्टर, फोलिक एसिड है, सेलेनियम है, आयन है. दीज आर रिक्वायर्ड फॉर गुड इम्यूनिटी. So, as I spoke about Nutralite, how does Nutralite help in this? कि आपकी immunity में. So, basically, it will help you form a good foundation. अगर आपका foundation अच्छा होगा body का, then definitely immunity अच्छी हो ही जाएगी. So, then there are products like Protein Daily and Omega about which I talked to you about is PDO. So, why protein? अभी protein हमारे शरीर में जरूरी क्यों है? Because proteins are the basic building blocks for our body. They play a vital role हमारे शरीर में बहुत सारे functions में, जैसे growth हमारे शरीर के growth के लिए और maintenance के लिए बहुत सारे chemical reaction शरीर में होते हैं, जैसे खाना हजम करने के लिए, जख्म ठीक करने के लिए, muscles के काम के लिए. बहुत सारे hormones हैं उनके लिए essential है, जैसे insulin और बहुत अलग अलग hormones हैं. और structure भी देता है हमारे हड्डियों को, हमारे muscles को, बालों को, नाखूनों को, etc. एंड बहुत energy के लिए भी जरूरी है. एंड importantly it helps in giving you a good immunity by helping you form the body ke jo fighter cells hote hain aur antibodies, uske liye bhi protein essential hai. But the fact I was surprised long time ago is that ye hamara jo protein hai body store nahi kar pata. Hame isliye continuously on a daily basis hame protein lena bahut zaruri hai aur wo bhi right matra mein. So how much protein do you need every day? तो हमें कैसे है दिन में, यू नो यू रिक्वायर फॉर 1 किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट 60 किलो है, यू वुड रिक्वायर 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. ये ICMR कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड WHO आल्सो इट हैज बीन फाउंड. मगर व्हाट इफ यू गो एंड चेक आउट, आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि मैं, मुझे लगा था मैं एक अच्छा नॉनवेज सोर्स ऑफ डाइट है मेरा, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नॉनवेज खाता हूँ. बट व्हेन आई कैलकुलेटेड हाउ मच प्रोटीन आई एट, I was falling short of the optimal level. As I said, optimal level बहुत ज़्यादा important है इसमें जानने के लिए. हर कोई protein तो खाता ही है, and I realized कि there is a shortage. Also, more so for vegetarians. जो vegetarians हो सके उनको तो और भी problems है definitely. So what I would urge you is कि आप you find out today कि आप कितना protein खाते हो. Find out कि last 1 month में कितना खाया है. Because those who are good non-veg eaters also ना every day भी नहीं खा पाते. किसी दिन अच्छा हो जाता है, किसी दिन फिर काफी दिन होते हैं जिनमें below average पड़ जाता है. So figure out specially for yourself and your family, your entire your husband, wife, children and your parents. उनको भी देखो what is their daily what is their daily intake. और you will be surprised कि आप कितना कम खाते हैं. And इसके लिए बहुत सारे internet पे apps हैं. We can actually check. So what could be the solution? For me, I found that this Nutralite all plant protein powder से gap definitely कम होगा. It is 100% plant protein, vegetable sources से बना है, best vegetable sources से wheat, soy और yellow pea से बना हुआ है. And इसके अंदर एक essential amino acid जो होते हैं, यानी proteins amino acid से बनते हैं. और उसमें से 9 ऐसे essential ऐसे amino acid है जो हमारा शरीर बना नहीं सकता और हमें हमेशा diet से ही लेना पड़ता है. And Nutralite gives you all those 9 essential amino acids in the right concentration. Plus इसमें sugar नहीं है. And diabetes वाले भी use कर सकते हैं. FPD का score होता है जो quality बताता है protein का. And इसका ratio is 1, which is the highest possible ratio in the world. Digest होने के लिए easy है. और 10 gram के protein में आपको 8 gram मिलता है, which is very very high concentration if you compare to anything. So this is a great solution. और आप अलग अलग तरीके से use कर सकते हैं. किसी के shake में use कर सकते हैं, milk में, आटे में, छाछ, curd. I use it in the milkshake in the morning. Then of course now so now there are many brands. हम TV देखते हैं, बहुत सारे ads आते हैं कि protein खाओ और हमारा protein खाओ. And if you see many ads about protein powders, मगर आप carefully choose कीजिए, देखिए उनका protein, study कीजिए कि 100 grams powder में कितना होगा. And you'll realize many have only 20. अच्छे बड़े बड़े brands को 20 तक के, 30 तक के, 40 तक का protein होता है. Remaining is carbohydrates and everything else. So और उसकी भी quality के बारे में कुछ लिखा नहीं होता है. And that's why हमारे body को उसमें से बहुत ही कम मिलता है. So when you're choosing a protein, choose the best. And Nutralite will give you more proteins per scoop, best bioavailability, or definitely value for money.
अब हमारे बॉडी को अगेन विटामिन एंड मिनरल्स भी जरूरी है फॉर ऑल द स्मॉल स्मॉल केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चलते रहते हैं उनके लिए यू नो बॉडी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑफकोर्स इम्यूनिटी के लिए एंड हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स हमें क्या करना पड़ेगा. WHO ने कहा है कि हमें कम से कम 5 से 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे ऑन अ डेली बेसिस. 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स कौन खा सकता है और कुछ दिन तो हम खा लेंगे. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपके सारे फैमिली मेंबर्स खा नहीं पाते हैं. इसीलिए हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की विटामिन की भी गैप आ जाता है. सो हाउ डू वी ब्रिज द गैप. You know, so there is a product called Nutrilite Daily, which might give you that. And Nutrilite Daily में क्या है? एक tablet में है 13 essential vitamins और 11 essential minerals जो ले सकते हैं. So what I generally do is instead of calculating कि कितना vitamin ले रहा हूँ for my body to function ताकि मेरा body compromise नहीं कर सके, in the morning I take 1 tablet of daily with breakfast and मेरा daily requirement is taken care of. So I know I'm not compromising. Also इसमें as I said phytofactors से भरा हुआ है because it is a natural source. ऑर्गेनिक सोर्स विच हेल्प फॉर फाइटिंग फ्री रेडिकल्स और जैसे इम्यूनिटी के लिए कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स है वो सब इसमें एक ही टैबलेट में अवेलेबल है. विटामिन सी, ई, ए, बी सिक्स, डी, जैसे मैंने बताया जिंक, फॉलिक एसिड, सेलेनियम, एवरीथिंग इन वन टैबलेट. सो इट्स अ वेरी स्मार्ट चॉइस जस्ट टू टेक वन एक्स्ट्रा टैबलेट्स एंड डोंट यू नो तो देन आवर फैमिली इज नॉट वरीड कि हमें कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले आज के दिन में. यू नो एंड देयर इज नो डेफिशिएंसी इन द लॉन्ग टर्म. अगेन फैट्स के बारे में भी मुझे लगा कि फैट्स हमेशा खराब रहते हैं बट देयर आवर बॉडी रिक्वायर्स सम गुड फैट्स आल्सो. और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फैट जो हमारे हार्ट और शरीर के सेल्स के लिए जरूरी होता है. बट ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर पाता. यू रिक्वायर टू टेक इट थ्रू अ डायट और सप्लीमेंट बाहर से एंड मेनी ऑफ देम यू नो आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस बिकॉज हम कैसे फैट्स जनरली प्रोसेस फैट्स खाते हैं जो खराब है जिसमें ओमेगा 6 है तो उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ओमेगा 3 जो हमें फिश के सोर्स से वगैरह मिलता है नॉन वेज सोर्स स्पेशली सी फूड से तो कितने लोग खा पाएंगे हाई लेवल ऑफ सी फूड ऑन अ डेली बेसिस. एंड वेजिटेरियंस ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई अ सिंपल सॉल्यूशन इज टू टेक वन सिंगल टैबलेट जो मैं लेता हूँ ऑफ सामन ओमेगा इन द मॉर्निंग. एंड ऑफकोर्स दिस इज अ नॉन वेज सोर्स बट ऑफकोर्स इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. सो आई डोंट थिंक एनीबडी डिस्क्रिमिनेट्स कि वेजिटेरियन है या नॉन वेज है इन दिस सोर्स. सो अगेन जैसे अडल्ट के लिए हेल्थ जरूरी है बच्चों के लिए ऑफकोर्स एवरीबडी इज फाइंड इट इम्पॉर्टेंट. और हेल्थ बच्चों के लिए भी वैसे ही है मल्टीविटामिन के लिए किड्स च्यूएबल प्लस चॉकलेट ड्रिंक्स है प्लस फॉर द फैट्स दे हैव DHA यमीज. नाउ न्यूट्रलाइट के PDO के बारे में कहा था. सो वील सी अ स्मॉल वीडियो एंड विच विल शो यू हाउ PDO वर्क. लेट मी टेक इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स आई विल स्टार्ट शोइंग यू. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हरीश खत्री है और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि अगर हमें ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए तो हमें न्यूट्रलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रलाइट की डेली टैबलेट जो एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है और न्यूट्रलाइट का सामन ओमेगा 3 जो एक गुड फैट है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह से बिल्डिंग अगर मजबूत होती है तो उसे भूकंप आंधी तूफान नहीं हिला सकते, उसी तरह से अगर हमारा शरीर मजबूत है, सेलुलर हेल्थ बढ़िया है तो उसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है. और अगर कोई बीमारी होती भी है हमें तो फिर वो बीमारी दूर पड़ जाती है. आज मैं आपको न्यूट्रलाइट की डेली टैबलेट का एक डेमो दिखाने वाला हूँ. ये एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट है, 13 विटामिन्स, 11 मिनरल्स, कंप्लीटली प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक, नो एडिटिव्स, नो कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड टोटली प्लांट एंड फ्रूट सोर्स. यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा. यहाँ पे हमने एक ग्लास लिया है पानी का, ये समझो हमारा बॉडी है जो 60% पानी है. इसमें हम कुछ चावल डाल रहे हैं जो सेल्स की तरह है. जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बॉडी कुछ इस तरह से होता है, हमारे सेल्स बिल्कुल हेल्दी होते हैं. अब क्या होता है, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है और जैसे बड़े होते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो पोल्यूशन है वो अंदर आती है. इसमें हम ये बीटाडीन डाल रहे हैं. ये बेसिकली एक केमिकल है जो ऑक्सीडेशन का काम करती है.
जिस तरह से बाहर के केमिकल्स, बाहर के पोल्यूशन हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करता है और फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे अलग अलग अंगों को अटैक करते हैं और अलग अलग बीमारियां भी होती है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो चावल जो सफ़ेद थे, अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के वजह से काले पड़ गए हैं। जैसे कि एक सेब जो होता है वो पीला पड़ जाता है, जो एक खीला होता है वो रस्ट हो जाता है, ये भी उसी तरह से है। अब हम इसमें डेली खाते हैं तो क्या होता है, ये डेली है, इसको न्यूट्रलाइट लॉक दिया गया है ताकि इसकी जो पोटेंसी बरकरार रहे। हमने इसको ऑलरेडी पाउडर करके रखा हुआ है, आइए देखिए क्या होता है। जैसे डेली गोली हमारे शरीर में जाती है तो ये चेंजेस हो जाते हैं, जो पानी काला पड़ गया था वो सफेद हो जाता है, और जो चावल भी जो काले पड़ गए थे आप वो देखेंगे कि वो भी सफेद पड़ जाएंगे। ये सेम प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है, हमारे जो सेल्स हैं जो वीक पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अब वो फिर से हेल्दी बन जाते हैं। अब ये देखिए चावल जो काले थे वो भी सफेद पड़ गए हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट डेली। तो अगर आपको हेल्दी चाहिए तो आपको न्यूट्रलाइट का प्रोटीन पाउडर, डेली ओमेगा, कहने का मतलब अगर आप पी डी ओ रोज लेते हैं तो आपको डॉक्टर की ओपीडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एंड गुड बाय। Okay, so a wonderful video. Thank you, Dr. Khatri, for that. And there are other, जैसे मैं continue करता हूँ, Nutralite के बहुत सारे other range of products हैं। जैसे immunity के लिए अगर आपको special needs हैं, then you can take an extra natural C जो immunity boost करने के लिए है। Then Nutralite का Echinacea available है, which is a traditional Native American herb जो immunity boosting के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक इज गुड जो हमारे हार्ट के लिए तो सपोर्ट करती है मगर इम्यूनिटी के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर वेरी गुड लाइक कैल्शियम जिसे हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, सो कैलमैक डी प्लस है। आयन इज एसेंशियल फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो हमारे पास चेरी आयन है न्यूट्रोलाइट का विच हैज गॉट यू नो लॉट ऑफ नो साइड इफेक्ट्स एक्चुअली, जैसे जो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी होती है सिंथेटिक खाने से, तो दैट इज नॉट देयर। प्लस ग्लूकोसामिन इज अवेलेबल जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जॉइंट्स के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, एंड द बेस्ट पार्ट एंड द बेटर पार्ट ऑफ ग्लूकोसामिन इज अवेलेबल। फाइबर इज देयर जिनको कॉन्स्टिपेशन का डाइजेशन का प्रॉब्लम है। प्लस अलग अलग यू नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर एनर्जी, फॉर आईज, हार्ट के लिए एंड हेयर स्किन नेल्स के लिए, लिवर के लिए, फॉर पेरी मेनोपॉजल वुमेन के लिए, और यू नो जिनसिंग फॉर मेमोरी एंड एनर्जी, तो ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। सिमिलरली बच्चों के लिए कि बच्चों के भी स्पेसिफिक नीड्स होते हैं तो उनके लिए भी आयन अवेलेबल है, आयन है, नेचुरल सी, कैल्शियम अवेलेबल है, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेट। Also, sports nutrition mein whey protein is available and energy drinks are good. And there is a wow karke you know will overweight ka weight management program hai, which is a very customized and personalized program jisse aapka weight aap manage kar sakte hain. Or also in a country which is very rich in Ayurveda, you know the wisdom of traditional herbs are also there we have which support your immunity. तो उसमें एक VMS करके है विच सपोर्ट्स योर रेस्पिरेटरी हेल्थ, इट्स वेरी गुड फॉर हमारे सांस लेने के लिए और लंग्स के लिए बेनिफिट करता है, और इम्यूनिटी के लिए भी बूस्टिंग है। एंड तुलसी इज अवेलेबल, आपको सबको पता है कि तुलसी इज गुड फॉर इम्यूनिटी, एडाप्टोजन है, यानी आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देता है और अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है। बट वॉट इज सो गुड अबाउट दिस तुलसी जो मैं रोज मॉर्निंग में लेता हूँ कि मैं एक टैबलेट में मुझे आई गेट यू नो 100 से ज्यादा लीव्स की ताकत आती है उसमें, सच अ कॉन्सेंट्रेटेड दिस थिंग, सो विच इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। एंड दूसरे हर्बल प्रोडक्ट्स भी है जैसे अश्वगंधा फॉर वाइटालिटी, ब्रह्मी फॉर मेंटल एजिलिटी, एंड हमारी ग्लूकोज हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी है, एंड फॉर डाइजेशन ऑल्सो AVH, सो दीज आर अवेलेबल।
नाउ कमिंग बैक टू टुडे टुडेज वर्ल्ड जहां पे कोरोना का पैंडेमिक चालू है सी व्हाट जनरली एज अ डॉक्टर आई वुड से कि सी द गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन रिलीज किया है यू नो रिलैक्स किया है फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन बिकॉज इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से सफर हो रही थी एंड दैट्स व्हाई यू हैड टू ओपन अप एवरीबॉडी हैड टू गो टू वर्क इसीलिए ओपन किया बट कोरोना वायरस ने कोई रिलैक्सेशन दी नहीं है इट इज अफेक्टिंग एवरीबॉडी इन द सेम वे रिच पुअर आपने देखा यूके के prime minister was affected now the brazil ke president is affected and yesterday and today you would see the you know bollywood ke amitabh ji is also affected so it doesn't matter so our job is hum bahar ke to control kar nahi sakte so you have to take today responsibility hame apni khud ki aur hamare family ki responsibility personally leni hai you have to maintain that and usme karna kya hai you know go out basically only when necessary Wash your hands for 20 seconds. अपना हाथ बराबर से धोइए वो भी सोप से because soap will kill the virus. So do not touch your face often, you know, because that is a portal. यहाँ से enter करता है face, यानी nose में से, mouth में से, eyes से. Always wear a mask without while going out. Although बहुत सारे लोग बाहर पहन नहीं रहे but you can protect yourself by wearing a good mask on your nose. और बहुत and sanitizers भी अपने पास हमेशा रखिए because वो instantly virus को kill करता है. And don't use it while cooking on your flames because it's my alcohol hai, which is inflammatory. So these are the measures you need to take. Now I'm almost through with it. Or to sum it up, main kya kehna chahta hu ki you know my whole point is aapne aadhe ghante ka presentation dekha. Magar it should not be just like a you know another seminar. The what is good for you will be ki aap uspe kuch action le. I would urge you ki aap hum aapke lifestyle mein kuch thode se changes laye. And you take action, जैसे कि आप exercise you know करना चालू कीजिए, attitude positive रखिए, rest relax rejuvenate कीजिए and nutrition. So lot of people have started you know for that it will not come free. You will have to invest your time and your money into all these things so that you know थोड़ा सा divert करके you need to you know take ownership of your own health because दूसरा nobody else is going to take care of your health. और न्यूट्रिशन में जैसे देखा बहुत सारे गैप्स है टू कवर द बेसिक गैप्स आई टेक प्रोटीन पाउडर एवरी डे वन टैबलेट ऑफ न्यूट्रोलाइट डेली एंड वन ओमेगा का टैबलेट एंड स्पेसिफिक ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल बूस्टर्स अवेलेबल है जैसे तुलसी वीएमएस गार्लिक नेचुरल सी एंड एक्नीशिया एंड बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सो आई थिंक आई एम थ्रू विद द प्रेजेंटेशन बट देयर इज वन कॉशन ओनली नाउ बिकॉज दिस न्यूट्रोलाइट इज सच अ वर्ल्ड फेमस कंपनी विच इज नंबर वन इन द वर्ल्ड उसके साथ lot of you know some things are not going right like some people are doing unauthorized or illegal selling aapko dusre websites pe bech rahe hain or at other sources and which is not right and the problem uske sath ye paya gaya hai ki first is you don't get a buyback guarantee jo Nutralite deta hai ki products pasand nahi aaye to Nutralite takes it back and gives you your money back so this is not available yahan pe plus many of the products aap payenge ki expiry date ke nazdeek hai ab maybe expire bhi ho chuke hain by the time they come to your house and the worst for our problem is ki bahut sare log fake kar rahe hain they are selling you fake products bahar ka packet same hi hai yani protein powder mein maybe they aata mix karke de raha you will never know so my suggestion is if you are interested in using Nutralite in the future aap you know buy it only from authorized dealers aur kaun se authorized dealers hai jo jinhone aapko yahan pe is stock ke liye invite kiya hai he will be connected and he will give you the right information ki kaise aap actual Nutralite ke website pe jaake khud khareed sakte from an authorized you know website so I would urge you to do that and finally I think the whole idea is take action and I wish take action and responsibility for your own health and I wish you the best of health and stay safe stay healthy and stay happy and I think I'm done with the presentation thank you Dr. Jomraj for such a wonderful and very informative presentation aapne diya and I hope ki aaj aap sab ne jinhone suna hai ye presentation aap uska full fayda le lenge and aap connect kar denge khud ko jinhone aapko ye link diya hai taaki wo aapko help kar sake ki exactly kaun se supplements aapke liye aur aapke family ke liye sabse suitable rahenge so I hope you stay healthy I hope you stay have a good evening and till we meet next time goodbye